Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9th exponent of real number, in which we will discuss question number 38 ke jo remaining part hai us sab ko discuss kiya jayega. So a lot to know, a lot to discuss. As an always, please like, share, subscribe Mank Mathmania YouTube channel. Sab kuch discuss kiya jayega. Sabse pehle aaiye question number 2nd ko discuss karte hain. क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, x की पावर a माइनस बी ए प्लस बी. याद कीजिए पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन. और मल्टीप्लिकेशन अगर हुआ तो यहां देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा, a प्लस बी ए माइनस बी. यानी कि x की पावर a माइनस बी और इनटू में ही x की पावर a प्लस बी. ठीक है, ये चीज समझे. फिर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर b माइनस सी और b प्लस सी. ठीक है, इसी तरह से x की पावर c माइनस a और c प्लस a हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहां से जो मुझे प्रूव करना है वन लाना है. लेकिन है क्या बेटा, यहां x की पावर a प्लस b माइनस b का मतलब क्या, a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर. फिर देखिए यहां पर x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब आप देखिए सारे x आप देख रहे हो एक जैसे हैं और साथ में क्या है, यानी बेस इक्वल है, आधार सेम है और मल्टीप्लिकेशन, तो पावर सारी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. तो यहां से x की पावर a माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब ये वाला टर्म पूरा ऐड होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. फिर से मल्टीप्लिकेशन, यानी ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब आप देखिए इस ए स्क्वायर से आप देखोगे माइनस का ए स्क्वायर कट रहा है, बी स्क्वायर प्लस का माइनस से, सी स्क्वायर माइनस का प्लस से कट रहा. तो यानी x के ऊपर क्या बच रहा है, जीरो. कोई भी संख्या अगर उसके ऊपर पावर जीरो होती तो उसका मान क्या होता है, तो आप जानते होगे इसका मान वन होता है. यहां पर देखिए x है, x के ऊपर पावर क्या है, जीरो है, तो इसका मान क्या होगा, एक. तो एक रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन. आइए हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पास टू बी नोटेड. आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड को, थर्ड में देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर इसका इससे. तो x की पावर a और a का मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर, a और b का मल्टीप्लिकेशन ए बी. लेकिन ये चिन्ह क्या है, माइनस. ये क्या है, प्लस. प्लस माइनस माइनस. ठीक है, इसी तरह से x की पावर a a का मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर, a और b का ए बी. ठीक है, अच्छे से समझ रहे हो. फिर आगे देखिए ये चीज इतना लिखा रहने दीजिएगा, डिवाइड है. फिर यहां पर आइए x की पावर b स्क्वायर माइनस b और a का मल्टीप्लीकेशन, आप कहोगे बी ए. इसी तरह से x की पावर b b का गुणा b स्क्वायर, b और a का गुणा b a. ठीक है, ये सारी चीजें आपको करना ही होगा. फिर आइए आगे इन सब में ध्यान दीजिएगा, इस पूरे में ब्रैकेट क्या है, इस पूरे को जब सॉल्व कर लोगे तो इसके ऊपर ब्रैकेट a प्लस भी है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको. ठीक है, यहीं पर नहीं बंद कर देना है. आइए पहले इसको और सॉल्व करते हैं. अब बताइए यहाँ आधार समान है, घाते जो हैं जो भी होंगी भाग होने के कारण घाते आपस में घट जाएंगे. अब देखो यहां से x की पावर a स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन ये पावर क्योंकि डिवाइड में है और ये पावर ऊपर जाएगी तो घटेगी, घटते वक्त चिन्ह बदलेंगे, ये सब ब्रैकेट में रहेगा. यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए बी, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगा तो ये चिन्ह हटके ये माइनस हो जाएगा और ये जो प्लस है बेटा अब क्या दिख रहा, माइनस दिख रहा है. ठीक है, आगे आइए डिवाइड का चिन्ह यहां पर. अब देखो यहां पे भी क्या है, x की पावर बी स्क्वायर माइनस बी ए. जैसे ये चिन्ह ऊपर जाए मतलब ये पूरा पद ऊपर जाएगा. ठीक है, माइनस में जाएगा. ठीक है, आगे आओ देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह सब क्या होंगे, आपस में बदलेंगे, यानी जो प्लस थे वो अब क्या होंगे, माइनस. ठीक है, आइए आगे देखिए क्या चीज है. यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रैकेट लगाइए और ऊपर a प्लस बी रखे रहिए. ठीक है, अब आ जाओ यहां से देखिए क्या क्या चीज कट रहा है. ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा. ठीक है, तो अब देखते हैं यहां से क्या मिलेगा. तो आप कहोगे x की पावर माइनस ए बी, माइनस ए बी मिलकर माइनस टू ए बी. ठीक है, फिर डिवाइड का चिन्ह है, x की पावर अब फिर से बी ए और बी ए मिलके, फिर आप कहोगे माइनस टू ए बी. ठीक है, इस चीज को समझे या नहीं. फिर आगे देखो यहां पे फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, इसकी पावर बेटा क्या है, ए प्लस बी. ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां जगह बची हुई मैं यहां पे आ रहा हूं करने. देखिए यहां से पहले बताइए ये भाग है, फिर से घाते क्या है, आपस में घटेंगी. तो यहां x की पावर माइनस टू ए बी. ठीक है, और आप जानते हो भाग है तो माइनस रहेगा, फिर ब्रैकेट लगाना और यहां पर क्या है बेटा, माइनस टू ए बी है.
ठीक है, तो यहां का माइनस 2ab कर लेना। ठीक, अब देखो यहां पर ब्रैकेट के ऊपर भी क्या है, अभी भी a प्लस बी है। ठीक है, अब देखो यहां से आप जैसे ही माइनस 2ab किए और माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा ब्रैकेट खुलते ही, और इस पूरे के ऊपर आज भी क्या है, a प्लस बी है। ठीक है, आप देखो 2ab में से 2ab गया, फिर x की पावर क्या बचा, 0। और आपको पता है 0 और a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा और 0 आ जाएगा। 0 और किसी 0 किसी भी संख्या को समा सकता है, यानी 0 0 कर देगा, x की पावर 0 इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए हम सब कुछ इरेज करके क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन क्या है, सामने आपके लगा हुआ है, इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहां पर जगह बना रहा हूं, यहां पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, आइए देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए की पावर एक्स प्लस वन और ये है। पहले आइए इन्हीं को आपस में, क्योंकि आधार समान है, भाग में है, घट जाएंगे, तो ए की पावर एक्स प्लस वन, फिर ऊपर जाएगा तो आप देख रहे हो ये माइनस में वाई प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन में तो वहां पर जगह नहीं है, चलिए मैं अभी जितनी जगह है उतना यूज कर ले रहा हूं। यहां पर देखो ये a की पावर क्या है, y प्लस टू है। ठीक है, और जैसे ये ऊपर जाएगा तो आप जान रहे हो माइनस में z प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, इसको y प्लस टू लिखिए, और इसको जो है ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर क्या है, y प्लस z है, और यहां जगह नहीं है तो गुड़े है, चाहे इधर लिखो तो मैं इधर लिख ले रहा हूं। ठीक है, गुड़े में वो वाला टर्म क्या है, मैं लिख ले रहा हूं a की पावर क्या, z प्लस थ्री, आप चाहो तो उधर लिख लेना, मैं यहां लिख ले रहा हूं जगह होना होने कारण। तो आप कहोगे z प्लस थ्री और माइनस में, माइनस में क्या हो जाएगा, आप कहोगे x प्लस थ्री। ठीक है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इस सब की ऊपर पावर क्या रहेगी, तो आप कहोगे इस सब के ऊपर पावर z प्लस x। ठीक है, अच्छा इतना समझने में अगर किसी को दिक्कत हो बिल्कुल बताएं, आगे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अब देखो यहां से ब्रैकेट खुला बेटा, आप खोल सोचिए, ये ब्रैकेट मैंने खोला तो ये जो प्लस था वो क्या हो गया, आप माइनस। ठीक है, ये माइनस से माइनस गया, आ जाओ यहाँ पे ब्रैकेट खोले, ये ब्रैकेट खुला, जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में इसी के आगे ऐसे बना लेना, वहां तो बनाओगे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, तो ये जो था आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये वन से वन कटा, अब यहां पर y प्लस टू है, ब्रैकेट खोलिए। ठीक है, ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप देख क्या रहे हो, इस प्लस टू से माइनस टू कैंसिल। अब आगे क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, a की पावर z माइनस x बच रहा, इसके ऊपर क्या है, z प्लस x, फिर इंटू में ही देखिए a की पावर x माइनस y बच रहा, इसके ऊपर क्या है, कहोगे x प्लस y। ठीक है, फिर क्या है, a की पावर y माइनस z है, तो इसके ऊपर क्या है, y प्लस z। ठीक है, समझ रहे हो ना सब कुछ। अब देखो यहां से a की पावर z माइनस x, z प्लस x का मतलब z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर यहां देखो a x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। आप देखो आधार समान, सब आपस में जोड़ घट हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, तो z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस दोनों कैंसिल, x प्लस माइनस कैंसिल, ये वाला दोनों कैंसिल, आप फिर से y की पावर क्या पा गए, 0, इसका मान 1 होता है भाई। ठीक है, और आपको तीनों क्वेश्चन करा दिया गया, एक क्वेश्चन बचा है क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें मुझे डाउट है, शायद क्वेश्चन गलत है, बालाजी का 38 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, अगर सही होगा तो करवा देते हैं, गलत होगा तो उसमें जो गलती होगी वो सुधरवा के तो करवाएंगे। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे YouTube चैनल मैंक मैथमेनिया को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।